Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the first unit solid state of 12th class and our topic is clothes packing in 3 dimension. In the last video we covered the topics, that is the clothes packing in 1 dimension. 1 dimension se humne derive kiya tha 2 dimensional clothes packing aur aaj hum kya karenge 2 dimensional clothes packing se derive karenge clothes packing in 3 dimension. अगर आपको लास्ट लेक्चर रिमेंबर है तो उसमें हमने क्या किया था कि क्लोज पैकिंग में दो पॉसिबिलिटीज की थी. वन इज़ द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दैट इज़ द स्क्वेयर क्लोज पैक्ड, एंड सेकंड इज़ द हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. तो मींस जब हम क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो वो भी कहाँ से डिराइव करेंगे, फ्रॉम द टू डायमेंशन. तो यहाँ भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल स्क्वेयर क्लोज पैक्ड लेयर, या फिर हम कहाँ से ले सकते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग डिराइव्ड फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर. तो हम फर्स्ट लेकर चल रहे हैं यहाँ फ्रॉम द स्क्वेयर. तो ये हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पर, टू डायमेंशनल स्क्वेयर क्लोज पैक्ड लेयर. अब इससे हम क्या डिराइव करेंगे, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन. अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट कर दें, मीन्स इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें, तो हमारे पास कैसी अरेंजमेंट आ जाएगी, एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. अब ये कैसे हम कर सकते हैं, हम सेकंड लेयर को प्लेस करें किसके ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर एग्जैक्टली, सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सेकंड लेयर मींस द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर आर एग्जैक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, और जो उनकी अलाइनमेंट होंगी बोथ अलाइंट हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. और इसी पैटर्न को मैं रिपीट करती रहूँ कि एक लेयर रखी फिर दूसरी फिर तीसरी, और उनकी अलाइनमेंट कैसी रहे, हॉरिजॉन्टली भी मैच करती रहे और वर्टिकली भी. तो हमारे पास इस तरह का एक क्लोजली पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाएगा. जो हमारे पास ये अरेंजमेंट आई हम इनको नाम क्या दे सकते हैं, दैट इज नोन एज द सिंपल क्लोज पैकिंग. अब जो ये सिंपल क्लोज पैकिंग है उसमें अगर हम यूनिट सेल को देखते हैं तो वो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल आती है. वो कैसे, मेरे पास जो ये वाले स्फीयर्स हैं ये हमारे पास किसके हैं, फ्रंट लेयर के स्फीयर. अब जो ये वाला है ये हमारे पास स्फीयर्स कौन से हैं, बैक लेयर्स के. तो पहले मैंने इस तरह से फ्रंट लेयर के स्फीयर्स को आपस में क्या किया, सीधी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन. ऐसे ही जो हमारे पास बैक साइड के हमने स्फीयर्स को कंसीडर किया इस तरह से, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से. तो हमारे पास ये कैसी अरेंजमेंट आ गई, एक क्यूबिक अरेंजमेंट है. अगर मैं इसको यहाँ पर सिंपली शो करती हूँ तो इस तरह से अरेंजमेंट है हमारे पास, ये जस्ट लाइक दिस. ये आपके पास इस तरह से पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, ये हमारे फ्रंट साइड के हैं, 1 2 3 4, ये बैक साइड वाली लेयर के हैं. तो जब इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कैसी अरेंजमेंट आ जाती है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल की. तो हम कह सकते हैं जो सिंपल क्यूबिक आपके पास क्लोज पैकिंग है या सिंपल क्लोज पैकिंग है उसमें जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ द यूनिट सेल. तो जो ये हमारे पास क्लोज पैकिंग आई ये कैसी है, थ्री डायमेंशन, क्योंकि इसको एक्सप्लेन हम कितनी एक्सिस से कर रहे हैं, 1 एक्सिस 2 एक्सिस, और अगर इस तरफ चले जाएंगे तो ये कौन सी एक्सिस है, 3 एक्सिस. इसीलिए ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. इसको हम इस बॉक्स की हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे एक एक्सिस हमारे पास कौन सी है, ये इस तरह से 1 एक्सिस, ये इधर हमारे पास इसकी सेकेंड एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड एक्सिस. तो सेम आपके पास अगर हम इस बॉक्स को क्यूबिक फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो ये कैसा है, थ्री डायमेंशनल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट लेयर रखा फिर सेकंड लेयर रखा और फिर थर्ड लेयर रखा. अगर हम पार्टिकल फर्स्ट लेयर के जो हैं उनको क्या डिनोट करते हैं, ए, तो हमने कहा जो सेकंड लेयर रखी या थर्ड या कितनी भी आप लेयर्स रखते जा रहे हो तो वो वन अबव द अनदर हैं, एग्जैक्टली अलाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर सबके पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास, ए टाइप. तो हम इसको और भी नाम क्या दे सकते हैं, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज या रेफर्ड एज ए टाइप ऑफ द पैकिंग. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन फ्रॉम टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर. अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को अगर हम शो करते हैं
तो ये हमारे पास क्या हो गई, हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर इन टू डायमेंशन। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह के वैकेंट स्पेसेस हैं, मींस टू टाइप ऑफ द वॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक आपके पास ये वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स इस तरह से, जिनमें वर्टेक्स कहाँ है, अपर साइड, तो हमने उनको नाम क्या दिया, ए वॉइड्स। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं ये इस तरह से, जिनको अब मैं डॉट से डिनोट कर रही हूँ, जिनमें जो वर्टेक्स है वो किस तरह से है हमारे पास, इस तरह से लोअर साइड, उनको हमने नाम क्या दिया, बी। तो इन केस ऑफ द टू डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर देयर आर द टू टाइप ऑफ द वॉइड्स, वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। लेकिन दोनों ही टाइप ऑफ वॉइड्स कौन से हैं, ट्राइंगुलर वॉइड्स, क्योंकि उनकी शेप किस फॉर्म में आ रही है आपके पास, ट्राइंगुलर फॉर्म में। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन वन द वर्टेक्स इज ऑन अबव साइड एंड इन अदर केस द वर्टेक्स इज ऑन लोअर साइड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब जो लेयर है, ये फर्स्ट हमने क्या मानी, लेयर, और कौन सी लेयर है, ये हेक्सागनल लेयर। इसके सारे पार्टिकल्स को हमने नाम किससे डिनोट किया, ए टाइप से। अब हमें सेकेंड लेयर को प्लेस करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो हम इस तरह से सेकेंड लेयर को रखें कि वो बी वाले वॉइड्स को कवर करें। सेकेंडली हम कैसे रख सकते हैं कि वो किसको कवर करे, ए वॉइड्स को। तो हम फर्स्ट चॉइस को लेकर चलते हैं कि वी पुट द सेकेंड लेयर पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट कवर्स द वॉइड बी। अब ये हमारे पास वॉइड बी, तो मैंने इस तरह से डॉटेड फॉर्म में दिखाया पार्टिकल को। अगेन हमने किसको कवर करवाया, वॉइड बी, दिस इज द बी, अगेन दिस इज बी, दिस इज बी, दिस वन इज बी, तो ये जो मैंने रेड कलर से डॉटेड लेयर दिखाई वो आपको क्या इंडिकेट करती है, सेकेंड लेयर पार्टिकल्स। मीन्स अब ये ना तो फर्स्ट लेयर से हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है ना वर्टिकली, कुछ अलग ही अलाइनमेंट है। तो इनको हमने जो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं या स्फीयर्स हैं उनको डिनोट किससे किया, बी से। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दो नए टाइप ऑफ वॉइड्स जनरेट हुए। एक तो ये वॉइड, इसको मैं लेबल कर रही हूँ यहाँ पर सी। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इस तरह से ये स्फीयर्स हैं और एक हमारे पास लोअर लेयर का स्फीयर है, और एक ये मैंने यहाँ पर किसको ड्रॉ किया, ब्लैक कलर से, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी यानी कि ए लेयर। तो अगर हम देखते हैं तो बीच में जो ये वॉइड है हमने इसको डिनोट किससे किया, सी से। ये क्या कहलाएगा, दैट वॉइड इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ बहुत सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे, जैसे एक ये यहाँ भी टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड सी होगा। अब हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड नाम क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम इन जो इसके सराउंडिंग में चारों स्फीयर्स हैं अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रन। और टेट्राहेड्रल शेप बनती है बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द नियरेस्ट फोर स्फीयर्स, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं, दैट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सेकेंडली हमारे पास नया वॉइड भी जनरेट हुआ है। जैसे अगर हम इस स्पेस को देखते हैं, वैसे तो ये हमने किससे डिनोट किया था, वॉइड ए से, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको सराउंड किया तीन तो लोअर लेयर के स्फीयर्स ने और तीन अपर लेयर के स्फीयर्स ने। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाएं, यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये हमारे तीन स्फीयर्स आए कहाँ से, लोअर लेयर से, और तीन स्फीयर्स हमारे कहाँ से होंगे, अपर लेयर से, यानी कि सेकेंड लेयर से। और बीच में जो ये स्पेस हमारे पास आया, ये स्पेस हमें क्या डिनोट करता है, अनदर टाइप ऑफ द वॉइड, और जिसका नाम हम क्या रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखते हैं तो इट इज द कम्बिनेशन ऑफ द टू ट्रायंगुलर वॉइड्स। एक इस तरह से है,
दूसरा हमारा जो रेड कलर के स्फीयर्स हमने जो डिनोट किए एक इस तरह से, तो बीच का जो ये स्पेस हमारे पास बचता है दैट इज सेट टू बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर बनता है, इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सिक्स स्फीयर्स, ये छह स्फीयर्स हैं और जो इनका सेंटर है वो हमें क्या बताता है, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये किससे बना हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद एपेक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक की कहाँ है एपेक्स ऑन द अपवर्ड साइड और दूसरे की कहाँ है ऑन द लोअर साइड। अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक और हमें ध्यान रखना है बेटा कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं या जो साइड्स हैं वो हम कैसे डिनोट करते हैं, देयर आर द टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर ईच स्फीयर, मतलब एक स्फीयर के लिए दो क्या होंगे हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड और एक क्या होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मीन्स अगर हमने स्फीयर्स कितने कंसीडर किए n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे ईच स्फीयर के साथ दो, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 2n। सेकेंडली मैंने क्या कहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा n, मींस जितने आपके पास स्फीयर उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होगा n। ये न्यूमेरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ मैनी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एसोशिएटेड विद ईच स्फीयर, तो आपको ध्यान रखना है टू टेट्राहेड्रल वॉइड विद ईच स्फीयर एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विद ईच स्फीयर। अब दोबारा से हम आते हैं अपने इस टू डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैक्ड लेयर से क्या बनाने के लिए, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने रखी थी सेकेंड लेयर, अब हम क्या रखें थर्ड लेयर को, और थर्ड लेयर को हम कैसे रखें, बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड सी, या फिर हम किसको कवर करवा के रख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस अगेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं किसको रखने के लिए, थर्ड लेयर को रखने के लिए, या तो थर्ड लेयर को हम इस तरीके से रखें कि वो किसको कवर करें टेट्राहेड्रल वॉइड सी को, या फिर किसको कवर करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो हम फर्स्ट लेकर चल रहे हैं कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हम थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को किसको कवर करते हुए रखवाएं, वॉइड सी मींस टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आ जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर मींस स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, क्योंकि सी उसका सेंटर है और आप जैसे ही पार्टिकल्स को रखोगे स्फीयर्स को रखोगे तो वो किसको कवर करवाएगा, फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स को, या हम कह सकते हैं द थर्ड लेयर ऑफ द स्फीयर्स exactly above the first layer means they are aligning horizontally as well as vertically with the first layer। तो first layer को हमने denote क्या किया था A sphere से, तो third layer के जो spheres होंगे वो भी क्या होंगे A, और अगर इसी तरह से हम repetitions में packing को करते रहेंगे तो हमारे पास कौन सी packing आ जाएगी, AB dash type of close packing, जिसको और भी हम नाम क्या दे सकते हैं hexagonal close packing, या फिर सिंपली हम उसको क्या नाम दे सकते हैं HCP मीन्स हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। और ये हमें कौन से मेटल्स में देखने को मिलती है, जैसे आपके पास मेटल्स हैं मैग्नीशियम है मॉलिब्डेनम है बेरिलियम जिंक, इन सारे ही मेटल्स के अंदर HCP अरेंजमेंट मीन्स हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये तो तब होगा जब हम किसको कवर करवाते हुए थर्ड लेयर को रखें टेट्राहेड्रल वॉइड्स सी को। सेकेंडली हम क्या ले सकते हैं कि हम कवर करवाएं किसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करवाते हुए थर्ड लेयर को रखेंगे तो जो हमारे पास थर्ड लेयर आएगी वो ना तो अलाइन करेगी फर्स्ट लेयर के पार्टिकल ए से ना सेकेंड लेयर के पार्टिकल बी से, वो अपनी एक अलग से ही अलाइनमेंट में आएगी। तो उस लेयर के पार्टिकल्स को हम नाम क्या रख देंगे सी,
मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ और मैं यहाँ पर पार्टिकल रखती हूँ इस तरह से, तो ना तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आया, ना सेकंड रेड वाले जो हमने स्फीयर शो किया ना उनके ऊपर आया, उसकी अपनी एक अलग से क्या आ जाती है, अलाइनमेंट। तो जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं उनको हम डिनोट किससे करेंगे, सी से। और अगर इसी रिपीटेशन को, यानी कि लेयर्स का जो हमने अभी पैटर्न किया उसको ऐसे ही रिपीट करते रहें, तो हमारे पास जो पैकिंग आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ABC टाइप ऑफ द क्लोज पैकिंग। और जो हमारे पास ये ABC डैश टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आती है, जब हम किसको कवर कराते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, तो सिंपली हम इसको नाम और भी क्या दे सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन मेटल्स में, जैसे आयरन है, निकल है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, वो जनरली किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, इन फॉर्म ऑफ दैट ABC टाइप या फिर क्यूबिक या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अगर हम सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को शो करते हैं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, उसमें पार्टिकल्स कहां पर होते हैं, एट द कॉर्नर्स एंड इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, ये फ्रंट का सेंटर और ये बैक साइड, ये सिंपली हमारे पास क्या है, दैट इज क्यूबिक और फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके बनाऊं तो अरेंजमेंट कैसी आएगी, तो अगर हम इसको हल्का सा टिल्ट करके बनाते हैं तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आ जाएगी। अब ये पार्टिकल मैंने यहाँ पर डिनोट किया ए, ये भी पार्टिकल हमारे पास कौन सा है, ए, जो जनरली किस पर है, कॉर्नर्स पर। यहाँ पर हम पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं, एक पार्टिकल आपके पास यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक यहाँ, और एक इस फेस के सेंटर पर, ये आपके पास इस तरह से एक फेस हो गया, तो ये फेस के सेंटर पर। ऐसे ही आपके पास अगर इस तरह से हम देखते हैं तो सेकंड फेस, और ये सेकंड फेस का सेंटर, ऐसे ही ये आपके पास इस फेस का सेंटर। तो जो ये पार्टिकल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये किस लेयर के पार्टिकल हम डिनोट कर रहे हैं, सी के। अब हम बी लेयर को लेकर चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। अब जो ये आपके पास फेस बना, ये इतना इसका सेंटर, ये वाला जो फेस है ये इसका सेंटर, और एक ये बैक साइड या फ्रंट साइड कोई भी मान सकते हो उसका सेंटर। तो जो ये पार्टिकल्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये किसको डिनोट करते हैं, बी। और जो अपर साइड ए, ये भी क्या है आपके पास, ए। तो ये आपके पास अरेंजमेंट रिपीट होती रहेगी और आपके पास क्या आ जाएगा, ABC टाइप ऑफ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो यहाँ हमने दो तरह की पैकिंग डिस्कस की, एक ABAB टाइप जो कहाँ से जनरेट होती है हमारे पास, जब हम किसको कवर करवाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड सी को, और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कराते हैं तो हमारे पास अरेंजमेंट कौन सी आती है, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन के साथ पूछूं विच वन इज़ मोर एफिशिएंट या इकोनॉमिकली कौन सी ज़्यादा बेटर क्लोज पैकिंग है, तो हमारे पास दोनों ही केसेस में जो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आती है, मींस जो कवर्ड सरफेस आता है वो कितना आता है, 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ये क्या करते हैं, स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो दोनों ही कैसी हैं हमारे पास, बोथ आर इकोनॉमिकली इक्वली बेनिफिशियल, और दोनों की ही एफिशिएंसी कैसी है, सेम, दैट इज 74%। अगर मैं इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर या HCP के अंदर आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमारे पास HCP या CCP दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। कैसे, आपके पास 6 नियरेस्ट नेबर होंगे सेम लेयर के अंदर, 3 आपके पास स्फीयर होंगे अपर लेयर के और 3 स्फीयर्स होंगे हमारे पास लोअर लेयर के, तो हमारे पास टोटल टचिंग स्फीयर्स कितने हो जाएंगे, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 12, इन केस ऑफ HCP और CCP अरेंजमेंट। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग द क्लोज पैकिंग। यहाँ से 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होंगे जितने आपके पास स्फीयर्स होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे नंबर ऑफ स्फीयर से,
तो इस तरह के बेस्ड आपके जनरली न्यूमेरिकल्स या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है 1 और 2 मार्क्स में. तो आप इसको ध्यान से करेंगे. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.